उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र व डीजीपी डीएस चौहान ने गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियों को लेकर मंदिर परिसर का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि शासन प्रशासन का प्रयास है कि खिचड़ी के मेले में जो लोग यहाँ पर आए हैं उन्हें बेहतर सुविधा मिले, श्रद्धालुओं को कहीं कोई दिक्कत ना हो। व्यवस्था ऐसी होगी कि यहाँ आने वाले लोगों को बदलते हुए उत्तर प्रदेश का एहसास होगा। श्रद्धालु आसानी से मंदिर में आकर दर्शन कर सकेंगे। स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए डॉक्टरों की तैनाती यहाँ की जाएगी। इस अवसर पर डीजीपी ने कहा कि लॉकडाउन के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एटीएस और एसटीएफ की टीम भी यहां पर लगाई जाएगी। मकर संक्रांति के मौके पर विशेष ट्रैफिक व्यवस्था का इंतजाम किया जाएगा और उसका प्रचार प्रसार भी किया जाएगा, जिससे आम लोगों को पता हो कि उन्हें अपनी गाड़ियां कहां खड़ी करनी है। गाड़ियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस विभाग पर होगी। पार्किंग में भी सीसी कैमरा लगवाए जाएंगे। पिछले साल एक युवक द्वारा गोरखनाथ मंदिर पर हमले के मामले में उन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं। उस वक्त भी उसे जल्दी काबू कर लिया गया था और अब भी और भी सतर्क हैं। साथ ही नेपाल के बॉर्डर इलाकों में भी सतर्कता बरती जा रही है। इस अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार, आईजी डीआईजी जे रविंद्र गौड़, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी कृष्णा करोड़ेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरुवार, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, एसडीएम सदर नेहा बंधु, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र व प्रदेश के डीजीपी डीएस चौहान ने कहा। घर सलामी दे रहे हैं। सुल्तान दो पंकज तुम्हारा क्या हो गया? ये आदेश हुआ है ना कि दूर से कवर करें, नजदीक नहीं जाएंगे कभी, पीछे पीछे बाद में। अरे भैया, अरे भाई, आगे चलते भैया, चलिए अब आगे बढ़िए, आप चलिए, आप चलिए, आगे चले, आगे चले, प्लीज नजदीक नहीं आने, रास्ता है पहला द्वार, पूर्व द्वार अलग अलग बात करूंगा जो एक बार महिला, एक बार इधर से महिलाएं आए, यहाँ जाएंगे और इधर से पुरुष आ जाए, वहाँ जा करके फिर पारी पारी करेंगे, वहाँ से ही गेट से ही करेंगे, अलग से अलग कर देंगे, पुरुष महिला और दो लाइनें बनेंगे, एक अलग पार्ट हो गया, वो साइड से ले लीजिए।
साइड से किधर है जी? किनारे किनारे जिससे हमारी गाड़ियां आई थी, दैट वाज गेट नंबर वन। पहले के समय पे सर जो होता है उस समय पे उस गेट की जो एंट्री है ओनली फॉर दी झूला एंड बाजार के लिए एंट्री होती है। पब्लिक दर्शन के लिए जो एंट्री होगी सर वो इस गेट से होगी और इस गेट से होगी। मंत्री साइड है आप लोग इधर यही तो दिक्कत है। हो जाएगा चलिए चलिए थोड़ा फास्ट हो जाएगी। अरे कोई नहीं हो गया। देखिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, मैं और DGP साहब आए हैं। यहाँ पे खिचड़ी का मेला होता है, एक बहुत बड़ा, आसपास के इलाके से काफी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। मुझे बताया गया कि इसमें जो 2.5 से 5 लाख तक लोग पहुंच जाते हैं एक दिन, जो 13, 14, 15 जो मेन डेज होते हैं उसमें से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अदरवाइज भी 40-50 हज़ार लोग पहुंच जाते हैं। अभी जब 31 और 1 तारीख को जो ये शुरुआत हो जाता है, नए साल से शुरुआत हो जाता है और ये चलता है जाकर के शिवरात्रि, महाशिवरात्रि 18 फरवरी है तब तक चलता है। तो आपको हर सैटरडे संडे को यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, मंगलवार के दिन यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते हैं और 13, 14, 15 को तो बड़ी संख्या में, काफ़ी कम मैंने वो कहते हैं जब 2.5 लाख में सोचता हूँ इस साल, और जितनी ज़्यादा सुविधा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा पब्लिक को उतनी ज़्यादा लोग पहुँचेंगे यहाँ पर। अब आप यहाँ देख रहे हैं इतने सारे झूले वगैरह की व्यवस्था है, यहाँ पे इतनी सारी दुकानें वगैरह की व्यवस्था है कि लोग आते हैं और आकर के जो चाहे गांव से आते हैं और केवल गोरखपुर के नहीं आसपास के इलाके से बहुत सारे लोग आते हैं। तो जो लोग आए वहाँ पे उनको एक अच्छा माहौल मिले, अच्छा उनको अच्छी से व्यवस्था मिले। अब यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है, जैसे साफ़ सफाई की व्यवस्था है, यहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था है, यहाँ पे लोगों को कतार में रह करके उनको एक सुरक्षित तरीके से अपना उनको जो बाबा गोरखनाथ जी का उनको जो दर्शन करने के लिए दर्शन करने की भी अच्छी से व्यवस्था होनी चाहिए। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि उनको जब जाएं चाहे महिला हो पुरुष हो, उनको अगर किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल भी अगर कोई दिक्कत हो उसका भी सारी फैसिलिटी यहाँ पे होती है। तो सारी की सारी व्यवस्था हमारा जिला प्रशासन करता है, उसको हम लोग आए यहाँ पे देखने के लिए कि यहाँ पे अगर किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए कि जिससे कि हमारे प्रदेश में
जिस प्रकार का बदलाव हो रहा है लोगों को बदलते हुए उत्तर प्रदेश का एक अनुभव होना चाहिए। आप देखिए हमारे डीजीपी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, आप निश्चित मान के चलिए कि बिल्कुल हाईएस्ट लेवल की सुरक्षा की व्यवस्था होगी, उसको पूरे अच्छे से अभी हम इसके बाद जाकर के हम लोग एक रिव्यू भी करेंगे, डीजीपी साहब आपको बताएंगे, रिव्यू करेंगे और उसमें हर एस्पेक्ट को उसको देखेंगे, चाहे सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे सफाई की व्यवस्था है, या हमारी जो पब्लिक के नियंत्रण की व्यवस्था है। आपको मालूम है कि जो है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी हम लोग उसको प्रयोग करते हैं, या उसकी जो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, है ना, ये लोगों की जो कन्वीनियंस की जो व्यवस्था हो, तो हर तरह की हर बात को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लोग कैसे जो है लोग आएंगे, बस स्टेशन से आते हैं वहाँ से कैसे यहाँ पहुँचेंगे, रेलवे स्टेशन है वहाँ से कैसे लोग पहुँचेंगे, तो हर एस्पेक्ट को हम लोग देखेंगे। और पूरा का पूरा शहर भी, पूरा शहर भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, तो पूरे शहर के लिए भी आपको मालूम है कि इतने सारे काम भी चल रहे हैं और उसमें हर तरह की पूरी पूरी व्यवस्था होगी, इससे हम लोग समीक्षा करके निकलेंगे। भगवान श्री गुरु गोरखनाथ जी का ये आस्था का केंद्र है, यहाँ करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं अपनी आस्था को लेकर प्रार्थना करते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और यहाँ खिचड़ी का प्रसाद जो है वो तो भगवान को पेश करते हैं। लॉकडाउन के बाद में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, तो हमें पूरा ये विश्वास है कि इस बार लाखों की संख्या में लोग यहाँ आएंगे। इनके लिए पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा तीन स्तर की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, एक तो है भीड़ नियंत्रण की, क्राउड कंट्रोल की, दूसरा उनके सेफ्टी इश्यूज के लेकर जहां पर फायर प्रिवेंशन मेजर्स हैं, और तीसरा उनकी सुरक्षा को लेकर। यहाँ तीन चक्रीय व्यवस्था की गई है और उस तीन चक्रीय व्यवस्था के अनुरूप पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। इसके अलावा हमारी जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, स्पेशल फोर्सेस हैं, एटीएस है, एसटीएफ है, इनका भी डिप्लॉयमेंट किया जाएगा ताकि एक सुरक्षित त्यौहार जो है हम आम आदमी मना सके पूरे श्रद्धा के साथ। ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक अलग से प्लान बनाया गया है, जहां क्लियर कट ट्रैफिक के पार्किंग जोन बनाए गए हैं। अभी जो व्यवस्था है ट्रैफिक की उसके इतर अलग बनाई जाएगी, क्योंकि अभी भीड़ बढ़ना शुरू हुई है और जब हमारे मेन त्यौहार पड़ेगा 13, 14 और 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन पर, तो उस समय अलग एक व्यवस्था की जाएगी और वो व्यवस्था का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से, बातमी पत्रों के माध्यम से, अखबार से और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से गोरखपुर पुलिस के एसएसपी गौरव ग्रोवर द्वारा डाला जाएगा, ताकि आम जनमानस को पहले से ही पता रहे कि हमें अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है। गाड़ियों को सुरक्षित माहौल देने की भी जिम्मेदारी पुलिस निभाएगी ताकि कोई गाड़ी चोरी न हो सके। एंटी थेफ्ट मेजर्स भी यहाँ पूरे लागू किए जाएंगे।